ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अस्सलाम वालेकुम, आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज। आज हम जा रहे हैं चश्मे पर घूमने फिरने और मौसम देखें, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बारिश होता है उसे पहले काट लिया जाता है, काट कर फिर खेतों में ऐसे नीचे वाला हिस्सा लगा दिया जाता है, फिर उससे फसल बनती है, फिर गन्ना बनता है उससे। और वो जो आज मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। लास्ट व्लॉग में मैं टूर से होके आ गया था, लाहौर गया था मैं, किसी मजबूरी की वजह से मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो इसलिए मैं एमरजेंसी ही वहाँ से निकल के वापस घर आ गए थे हम। तो अभी मैं थोड़ा सा आउटिंग पे आया हूँ, तो मैंने कहा आपको यहाँ का विज़िट करवाता हूँ सारा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास ये लहसुन लगा हुआ है, क्रॉस करके दिखाओ, ये सारी लहसुन की फसल लगी हुई है। आगे इन्होंने कांटे बिछाए हुए हैं। और ये जो आप मेरे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये गन्ने की फसल है। गन्ने के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे पहले काट लिया जाता है, काट कर फिर खेतों में ऐसे नीचे वाला हिस्सा लगा दिया जाता है, फिर उससे फसल बनती है, फिर गन्ना बनता है उससे। और वो जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये जो फसल आप मेरे सामने देख रहे हो, ये गंदम की फसल है। ये वो फसल है जिसके साथ आप आटा बनता है और आप घरों में रोटी बनाते हो। ये जो आप देख रहे हो ये सिट्टा है। जब ये ब्राउन हो जाता है तो इसके अंदर दाना पक जाता है, पहले रमज़ान में या रमज़ान के बाद कटाई हो जाती थी। जैसा कि आपको पता है कि दिन 10-10 दिन पीछे आ रहे हैं, तो इसलिए अब रमज़ान के बाद ही इसकी कटाई होगी। तकरीबन 2 महीने अब लग जाने हैं इसको पकने में। फिर थ्रेशर मशीन होती है जिसके अंदर ये डाली जाती है, उससे फिर दाने निकाले जाते हैं। जो दाने होते हैं वो चक्की में पिसवा कर फिर आपके घरों में आटा प्रोवाइड किया जाता है। तो जितना भी प्रोसीजर होता है वो सारा मैं आपको तब दिखाऊंगा जब ये सब कुछ ये फसल पक जाएगी। लेकिन अभी ये फसल क्योंकि कच्ची है, ये पकी नहीं है, तो इसलिए अभी आपको सिर्फ इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। जब ये फसल पक जाएगी तब इसकी सारी मैं कटाई भी दिखाऊंगा आपको। और मैं जैसे थ्रेशर मशीन में ये दाने पेस्ट निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर जैसे चक्की में दाने निकाले जाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर जो अभी मुकम्मल प्रोसीजर होगा मैं अपने व्लॉग में घूमने में आ गया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं कि कितना काम हो गया है, इनके ऑफिस का काफी काम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है अल्लाह जी। इनके ऑफिस का काफी काम हो चुका है यहाँ पे। तो ये हमारे स्कूल का जो पहला लेंटर था वो डल गया हुआ है, तो उसकी जो भी जो शटनिंग हुई थी वो सारी उतर चुकी है, भाई लोग लगे हुए उतारने। पहले जो शटरिंग हुई थी वो प्लाई वाली हुई थी, अब जो शटरिंग होनी है वो लकड़ की जो प्लेट्स होती है ना वो वाली होनी है। तो उसके लिए तूड़ी यहाँ पे आ चुकी है। ये जो तूड़ी होती है इसे मिट्टी में पहले मिक्स करते हैं, जब मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं फिर जो होती है ना ऊपर शटरिंग के लिए वो लगाते हैं पीसीस, उसके ऊपर लपाई करते हैं मिट्टी की, फिर वो उसके ऊपर लेंटर डलता है तो नीचे से फिर मिट्टी निकल जाती है सारी। ये भाई लोग सारे लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ये भाई लोग सारे काम करने लगे हुए हैं। जो दूसरे हिस्से का लेंटर था वो डल जाएगा यहाँ पे। भाई साहब किस्मत हो तो ऐसी, अभी अभी मुझे मियां मुदस्सर की कॉल आई है, कहता भाई साहब जल्दी बैठक में आओ। तो मैं बैठक में आया तो आगे देखो दावत की हुई इन्होंने हमारी। हसन भाई बैठे हुए हैं, अली भाई साथ में, मुदस्सर भाई बहुत मेहरबानी है आपकी, गुजर साहब बैठे हुए हैं। तो ये होती है किस्मत भाई साहब, कॉल आए और दोस्त बुलाए और आगे से पार्टियां याहू। हम जा रहे थे पहाड़ों पे, ये था मेरा पुराना व्लॉग जिसमें हमारे मेहमान आए हुए थे
जिसमें हसन भाई, असद भाई, अबू बकर भाई और ताबिश था। तो हमने प्रोग्राम बनाया पहाड़ों पर जाने का, तो मिलिए आप असद भाई से, साथ में अबू बकर भाई थे, हसन भाई थे। असद भाई देखा है पहले भी चश्मा? पहले तो ज्यादा पानी होना। हाँ जी, पहले तो बहुत पानी सी उत्ते तक। हाँ जी, ते हुण दा पता नहीं की माहौल है उत्ते, हुण तक जाके वेखांगे। कट गया है काफी ज्यादा ना पानी, उन्होंने मतलब के खाका वगैरह गिर गया है। अच्छा, खतरा पैदा हो गया सी के पानी फ्लो ना हो जाए। हाँ जी, इस करके फिर सारा आना बंद कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खड़े क्यों हैं यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों खड़े थे। जिसे कहते हैं ना कि प्रैंक हो गया, हमारे साथ प्रैंक हो गया था। हमारे साथ हुआ था ओरिजिनल मोए मोए, वो जो गाना बना है ना मोए मोए, हमारे साथ हुआ था ओरिजिनल मोए मोए। क्योंकि जब हम पहुँचे पहाड़ों पे तो बहुत ही देर के बाद असद भाई आए थे, तो इनका मूड बना पहाड़ों पे जाने का और इन्होंने कहा था हमने चश्मा देखना है। तो जब हम पहाड़ों पे पहुँचे तो हमारे साथ मोए मोए हो गया। तो इतनी तेज़ भाई साहब बारिश स्टार्ट होगी, गाड़ी से निकलाना जाए, तो हमने तो सोचा था कि हम पहाड़ देख के जाएंगे, लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश थी कि गाड़ी से भी नहीं निकला जा सकता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश थी, हमने शीशा भी बंद कर दिया, इतनी तेज़ बारिश थी गाड़ी में। तो अब हम सोच रहे थे कि इतनी दूर आए, अब हम क्या करें, हमने तो पहाड़ देख के ही जाना है। अब हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे क्या करना है, लेकिन फिर हमारा मूड बना के नहीं, यहाँ से अब वापस जाओ। क्योंकि तो कुछ देर वहाँ पे हमने वेट किया, जब बारिश रुकने का नाम नहीं थी ले रही, तो हमने कहा चलो अब वापस जाते हैं। जैसे ही हम वापस जा रहे थे तो हमें नज़र आए और पहाड़, शहीनाबाद रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़ थे, जिसे शहीनाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन भी कहते हैं, शहीनाबाद जंक्शन। तो ये आप सामने पहाड़ देख रहे थे, तो हमने कहा चलो ये पहाड़ों पे जाते हैं। लेकिन जब हमने मूड बनाया कि अब ये स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो हमारे साथ अगेन मोए मोए हो गया, बारिश फिर तेज़ होगी। तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि चुप करके अब घर जाते हैं और घर जा के खाना वगैरह इंजॉय करते हैं, बारिश तो अब रुकेगी नहीं। तो हमने घर का सफ़र शुरू कर दिया। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ। ਅਭੀ ਸਰਗੋਧਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਈਦ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਸ ਕਾ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਸੋਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सोलर का बहुत फायदा होता है, सारा दिन एसी चलाओ, रात को बैटरीज पे चलता है, तो वापडा बिल्कुल आपकी जीरो यूज होती है। तो अभी प्रोग्राम बनना था कि जाते हैं सुरगोधा, साथ में शॉपिंग कर लेते हैं और ईद के लिए कपड़े भी लेने थे, सोलर भी लेना था और एक दो और भी काम है, तो वो करने चले, मिलते हैं आपको सुरगोधा में। सुरगोधा में पहुंच गए थे तो सोलर देखें भाई साहब कितने तेजी से इनका काम जारी है, धड़ाधड़। ये सारे इन्वर्टर लगे हुए हैं, लेकिन हमने अभी रेट पता करना था, बस हमने रेट पता कर लिया था, तो अब जब मुनासिब जहाँ से लगा हम वहाँ से ले लेंगे। तो इन सब का रेट पता कर लिया था हमने यहाँ से। वापस पे मैंने अपनी नज़र चेक करवाई डॉक्टर को, मैंने कहा नज़र का इशू लग रहा है, क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करने में इशू आ रहा था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को नज़र चेक करवाई, उसने नज़र चेक की तो कहता आधा नंबर काम है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा आधा नंबर काम है, लेकिन खैर ऐनक तो अच्छी लग रही है ना, आधा नंबर कम की खैर है, ऐनक तो अच्छी लग रही है ना।
लेकिन मैंने एंड ले ली। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मिर्ज़ा हारून बेग व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें।